हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि जो कि पानी रुका हुआ है उसमें उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक 1 आवर मोर टू गो टू 24 km अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउनवर्ड टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब कि कोई एक हमें दिया हुआ है, एक नदी है जो इस दिशा में बह रही है, अगर और ये नाव है और 24 किलोमीटर यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर हम यहाँ दे रखा है, अगर हम इस पानी की दिशा में चलें 24 किलोमीटर और इधर से वापस आएँ, जो इसका टाइम है ये दे रखा है, अगर ये यहाँ पे पहुँचे एक्स घंटे में, और यहाँ जो जिस टाइम में पहुँचती है तो उससे मतलब एक घंटे ज़्यादा में यहाँ पहुँचती है, ये अपने पास दिया हुआ है। अब हमें सर मतलब कि ये दिया हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक जाने में समय बराबर कुछ भी हो, मान लो T1 है, और यहाँ से वापस आने में समय नदी के बाप की विपरीत दिशा में आने में समय वो T2 है, तो T2 - T1 = 1, एक घंटा, ये एक इक्वेशन हो गया अपने पास। अपने पास एक इक्वेशन है, और चूंकि स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर है अपना 18 km/h, लेट अब हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ वाटर, मतलब जो पानी की बहने की स्पीड है वो x km/h है, हमारे पास ये दिया हुआ है, और जो अपने पास अपनी डिस्टेंस है वो है अपने पास 24 किलोमीटर। जब हम ये पानी की डायरेक्शन में जाता है, पानी की डायरेक्शन में जाने के समय हमने T1 माना है, तो T1 बराबर जो पानी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये 24 किलोमीटर 18 तो उसकी खुद की स्पीड होगी और साथ में पानी की स्पीड भी लेगा, तो x ये हो जाएगा। इसी तरह T2 बराबर 24 तो खुद वो वापस आएगा और 18 उसकी खुद की स्पीड होगी, लेकिन पानी उसे वापस पीछे धकेलेगा, तो वापस उसे पीछे धकेलेगा इस तरफ, तो उसकी दूरी स्पीड घट जाएगी 18 - x। अब हमारे पास ये रिलेशन है कि T2 - T1 = 1, तो हम इसमें 24 / 18 - x - x + 1, ये है अपने पास। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो यह आ जाता है, लघुत्तम लेने पर 18 - x 18 + x, ये हो जाता है 24 - 18 - x = 1। अब इसे गुणा हम इधर कर देते हैं, इधर और इनका अंदर गुणा कर देते हैं, तो 24 * 18 + 24x - 18 + 20 = 18 आ जाता है 18, ए माइनस बी, ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है 324 - x2। यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है x² + 48x - इधर को 324 = 0। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका खंड खंड बनाते हैं, जो कि अपने पास हम बन जाएंगे x + 54, हम इस अपने पास वो है x² + 48x - 324 = 0। अब इसके हमें खंड बनाने हैं, जो हम बना सकते हैं x² + 54x - 6x - 324। इसको हम इस समीकरण से की सहायता से भी हल कर सकते हैं, जो कि अपने पास होता है -b + -b² - 4ac / 2a, हम इसकी सहायता भी इसमें ले सकते हैं,
पर हमें यहाँ खंड बने हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 24। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 54, ये बन जाते हैं x माइनस 6 एंड x माइनस 54, x प्लस 54 तो x बराबर आ जाता है 6 एंड x बराबर आ जाता है माइनस 54। अब माइनस 54 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड नेवर बी ए नेगेटिव नंबर, स्पीड कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सो द स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज 6 km/h। ये अपने पास आंसर आ गया इसका।